इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देता है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वो एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बाहु कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। भगवान महाबाहु एवं आजानु बाहु कहे जाते हैं। वे बिना हाथ पैर के सर्वत्र कार्य करते हैं। उनमें जो प्रवेश पाता है या जो उसी भगवत्ता की ओर अग्रसर है, वो भी महाबाहु है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को महाबाहु कहा गया है। यानिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनि। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए वो परमात्मा रात्रि के तुल्य है, क्योंकि दिखाई नहीं देता, न विचार ही काम करता है, इसलिए रात्रि सदृश है। उस रात्रि में परमात्मा में संयमी पुरुष भली प्रकार देखता है, चलता है, जागता है, क्योंकि वहां उसकी पकड़ है। योगी इंद्रियों के संयम द्वारा उसमें प्रवेश पा जाता है। जिन नाशवान सांसारिक सुख भोग के लिए संपूर्ण प्राणी रात दिन परिश्रम करते हैं, योगी के लिए वही निशा है। रमा विलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। जो योगी परमार्थ पथ में निरंतर सजग और भौतिक ऐषणाओं से सर्वथा निःस्पृह होता है, वही उस इष्ट में प्रवेश पाता है। वो रहता तो संसार में ही है, किंतु संसार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। महापुरुष की इस रहनी का चित्रण देखें। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्त्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबाते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को न एक इंच ऊपर उठा पाते हैं और न गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं न अशुभ। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार पड़े भी तो कहां। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने
अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं, उनके लिए विध निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो। वे ही परम शांति को प्राप्त होते हैं क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता। इसी पर पुनः बल देते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्ममः मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्पृहा से रहित होता हुआ बरतता है, वो उस परम शांति को प्राप्त होता है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। पार्थ, उपर्युक्त स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुषों में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। वे पूर्ण संयमी और प्रत्यक्षता परमात्मदर्शी हैं। केवल अहम ब्रह्मास्मि पढ़ लेने या रट लेने से यह स्थिति नहीं मिलती, साधन करके ही इस ब्रह्म की स्थिति को पाया जाता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्म निष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अंतकाल में भी ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है।